प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने वसंत पाठ्य पुस्तक भाग दो पाठ 15 नीलकंठ भाग दो पढ़ लिया। उस पाठ में हमने देखा कि पक्षी शावकों को लेखिका अपने घर ले जाकर पढ़ने लिखने के कमरे में रख देती है। वहाँ वे बिना डर के यहाँ वहाँ घूमते हैं, कभी कुर्सी पर तो कभी मेज पर तो कभी लेखिका के कंधे पर भी वे आविर्भूत होते हैं। जब वे जाली के घर में रहने जाते हैं तब बाकी जीव जंतु उनका नई दुल्हन की तरह स्वागत करते हैं, और जैसे जैसे वे बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे उनका कायाकल्प बदलने लगता है। तो यहाँ मोर की सुंदरता व इनका वर्णन भी लेखिका ने बहुत ही खूबी से किया है। तो हम यहाँ तक अपना पाठ पढ़ चुके थे, अब हम आगे का पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 15 नीलकंठ भाग 3, लेखिका है महादेवी वर्मा। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूपचाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की शाम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। शब्दार्थ शाम यानी काला, श्वेत सफेद, मंथर गति यानी धीमी गति, सहचारिणी यानी साथ चलने वाली। अभी जैसे मोर के शरीर में जिस तरीके से सुधार हुआ उतना मोरनी का विकास नहीं हुआ, परंतु मोरनी की गर्दन लंबी व धूपछाई थी, उसकी कलगी, अभी कलगी यानी सिर के ऊपर जो गुच्छा होता है उसे क्या कहते हैं, कलगी, तो उसकी कलगी हवा के झोंके के साथ हिलती थी। उसके पंख काले और सफ़ेद थे और उसकी चाल कैसी थी, एकदम मंथन गति यानी धीमी थी, और आदि के कारण वह मोर की सहचारिणी प्रमाणित होती थी, यानी वह मोर के साथ साथ ही चलती थी, उसके पीछे पीछे ही रहती थी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचु प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। शब्दार्थ नामकरण यानी नाम रखना, संरक्षक रक्षा करने वाला, चंचु प्रहार यानी चोंच से मारना, नियुक्त यानी तैनात, दंड सजा। यहाँ मोर की गर्दन नीली चमकीली नीली अभाव होने के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया, और उसी प्रकार मोरनी का भी नामकरण यानी नाम रखना। तो मोरनी हमेशा मोर के पीछे छांव की तरह खड़ी रहती थी, और इसीलिए उसका नाम राधा रखा गया। लेखिका का कहना है कि उसे स्वयं को पता भी नहीं चला कि नीलकंठ जाली घर में जाने के बाद कब बड़ा हुआ और बाकी जीव जंतुओं का संरक्षण यानी वह दूसरों की रक्षा करने के लिए संरक्षक तथा सेनापति
कब तैनात हुआ। सुबह होते ही वह खरगोश, कबूतर आदि जीव जंतुओं को लेकर जहाँ दाना दिया जाता है उस स्थान पर ले जाता, मानो उनकी घूम घूम कर वह रखवाली करता। अगर किसी ने गड़बड़ की तो वह अपनी चोंच से प्रहार करता, यानी चोंच से मार कर उन्हें सजा देता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्तक्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंडविधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछूत सा खेलते रहते थे। शब्दार्थ आर्तक्रंदन यानी पीड़ा से कराहना। तो नीलकंठ खरगोश के छोटे बच्चों को चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता है, जब तक वे आर्तक्रंदन, अभी आर्तक्रंदन यानी क्या, तो पीड़ा से कराते नहीं वे, तब तक वह उन्हें हवा में लटका देता था। अपनी चोंच से पकड़ने के कारण कई बार खरगोश के बच्चों के कान में छेद हो जाता था। ऐसा लगता था मानो उनका कर्णवित संस्कार हो गया हो, जैसे छोटे बच्चों के कानों में छेद करने का संस्कार किया जाता है। नीलकंठ के सजा देने पर भी वे कभी क्रोध नहीं होते थे, क्योंकि इन जीव जंतुओं के प्रति उसे अधिक प्रेम था। जब वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता तो सभी जीव जंतु उसकी लंबी घनी पूंछ और पंखों में छुआछूत का खेल खेलते। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उस ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहस चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। शब्दार्थ है प्रयास यानी कोशिश, चौकन्ना यानी सतर्क, मंद स्वर यानी धीमी आवाज, व्यथा दुख, सहज सरलता या आसान। चेतना बुद्धि, तो एक दिन अचानक एक सांप जाली के अंदर आ गया, जाली के अंदर यानी भीतर पहुंच गया। सांप को देखकर सभी जीव जंतु भागकर यहाँ वहाँ छिप गए, परंतु एक छोटा सा खरगोश का बच्चा सांप की पकड़ में आ गया और सांप ने शिशु खरगोश का आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया और आगे का आधा जड़
जो बाहर था उससे वह ची ची आवाज निकाल रहा था, परंतु स्वर इतने तीव्र नहीं थे कि किसी को स्पष्ट सुनाई देंगे। नीलकंठ ऊपर झूले पर सो रहा था, परंतु उसकी सतर्कता यानी क्या, चौकन्ने कानों ने मंद स्वर पहचाने। वह पंखों को समेटकर खरगोश की रक्षा करने तेजी से नीचे आ गया। अपनी सहज यानी आसान चेतना बुद्धि से नीलकंठ समझ गया कि समझो सांप के फन पर मैंने चोंच मारी तो खरगोश को चोट लग सकती है। यह बात नीलकंठ ने अच्छे से जान ली। उसने सांप को फन के पास पंजे से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वही पड़ा रहा। शब्दार्थ है अधमरा यानी आधा मरा हुआ, निश्चेष्ट यानी बेहोश। तो उसने सोच विचार करके सांप को फन के पास पंजों से दबाया और चोंच से आघात किया। फिर चोंच से प्रहार करने पर सांप अधमरा हो गया, परंतु शिशु खरगोश सांप के मुंह से निकलने के बाद भी निश्चेष्ट यानी बेहोश होकर वहीं पर पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के दो खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। शब्दार्थ खंड यानी टुकड़े, शिशु बच्चा। कार्तिकेय यानी भगवान शंकर का पुत्र, क्रूर का मतलब है निर्दयी। कर्म यानी कार्य, अभी राधा ने नीलकंठ को मदद करने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु उसने अपनी धीमी आवाज से जो घटना घटी थी उसकी सूचना सभी ओर फैला दी, प्रसारित की। राधा की केका स्वर से पहले वहां माली पहुंचा, फिर लेखिका और घर वाले पहुंच गए। तब तक नीलकंठ ने सांप के दो टुकड़े किए थे, फिर वह शिशु खरगोश के पास गया। रात भर वह घायल खरगोश को अपने पंखों के नीचे रख के उष्णता देता रहा। रात भर वह उसकी सेवा करता रहा। तो मोर के रूप और स्वभाव को देखकर यह समझ में आता है कि कार्तिकेय ने भगवान शंकर के बड़े पुत्र, उन्होंने युद्ध के लिए अपने वाहन के रूप में क्यों चुना होगा, यह हमें समझ में आता है। मोर कला प्रेमी पक्षी है, परंतु वह किसी की हत्या करने वाला या किसी को कष्ट देने वाला नहीं है, इसलिए उसे चील, बाज आदि के वर्ग में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये सभी प्राणी अपना गुजारा किसी की हत्या करके ही करते हैं।
वे अपने जीवन में दयाहीन निष्ठुर होकर काम करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार नीलकंठ सभी जीव जंतुओं का ख्याल रखता है और सांप के मुंह से शिशु खरगोश को बाहर निकालकर सांप को मार डालता है। तो बच्चों, आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।